हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3, उसकी प्रॉब्लम नंबर 7 अनसॉल्व्ड। ये यूनिवर्सिटी ने पूछी हुई है, देखो 15 और 2010 में भी पूछ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो समझते हैं, ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जो हमने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए उससे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। तो देखो पहले प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। विद इन ए सर्कुलर बाउंड्री ऑफ ए रेडियस ए, देयर इज ए टू डायमेंशनल लिक्विड ड्यू टू ए सोर्स प्रोड्यूसिंग लिक्विड एट द रेट एन। क्या आपके पास एक स्पेस है, वो आपके पास क्या है, सर्कुलर बाउंड्री है। एक सर्कुलर बाउंड्री है, उसमें आपके पास एक सोर्स है, ठीक है। वो एम रेट से, स्मॉल एम रेट से क्या करता है, फ्लूड को प्रोड्यूस करता है यानी जनरेट करता है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल एफ फ्रॉम द सेंटर। और उसकी जो उस सर्कुलर बाउंड्री के सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल एफ है। एंड एन इक्वल सिंक एट द सेंटर, और आपके पास इतना ही क्या है, इक्वल सिंक है इतनी स्ट्रेंथ का। फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी पोटेंशियल। एंड सो दैट द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द बाउंड्रीज, और आपको प्रूव करना है जो सर्कुलर जो स्पेस है उसकी बाउंड्री पे रिजल्टेंट प्रेशर ये होना चाहिए, कितना है, रो एम स्क्वायर एफ क्यूब अपॉन 2πa² × a² - f², वेयर रो इज फ्लूड डेंसिटी डिड्यूज एज ए लिमिट वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू ए डबलेट एट द सेंटर। आपको क्या निकालना है, पहले तो ये निकालना है रिजल्टेंट प्रेशर ये होना चाहिए, उसके बाद में आपको क्या प्रूव करना है कि आपको एक लिमिट वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है जब आपके पास एक डबलेट रखा हुआ हो, कहाँ हो, उस सर्कुलर बाउंड्री के सेंटर पे, ठीक है। तो ये अपने पास प्रॉब्लम थी, तो पहले लिखेंगे अपने पास जो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि एक आपके पास क्या है, एक सोर्स है, ठीक है। वो कहाँ रखा हुआ है, एक सर्कुलर बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है और सेंटर से स्मॉल एफ डिस्टेंस पे, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, सॉरी वो जो फ्लो प्रोड्यूस कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है, स्मॉल एम रेट से कर रहा है, ठीक है। तो देखो स्मॉल एम रेट से वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2πa², ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देखो गिवन दैट ए सोर्स आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट गिवन दैट ए सोर्स आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ रेडियस स्मॉल ए द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री इज स्मॉल एफ, ठीक है। गिवन दैट ए सोर्स आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ रेडियस ए, द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री स्मॉल एफ, यानी जो सर्कुलर बाउंड्री का जो सेंटर है उससे सोर्स की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, स्मॉल एफ है, ठीक है। Also given that
also given that a sink of equal strength is placed at the center of circular boundary. कहाँ रखा हुआ है? सर्कुलर बाउंड्री पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इसके इनके स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, जिनकी स्ट्रेंथ होगी वो कैसे दी जाएगी। देखो स्ट्रेंथ क्या, जो स्ट्रेंथ होती है आपके पास वो होती है 2π × m। लेकिन अब की बार मेरे पास m नहीं दिया हुआ है, अब की बार मेरे पास क्या नहीं दिया हुआ है, एम नहीं दिया, मेरे पास दी हुई है रेट, ठीक है। अब रेट को डिफाइन करने की बात करेंगे, इस रेट से कर रहा है तो देखो एक एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, जो आप जो इस छोटी क्लासों में पढ़ते आए हूँ, मैं बात करता हूँ कि आपके पास जो 5 pen है, ठीक है, उनकी रेट है 20। तो आपसे पूछा जाए एक पेन की रेट कितनी होगी, तो एक पेन की रेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, 20/5 करते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 pen की रेट आपको कितनी मिल गई, 4, ठीक है। ऐसा ही है, ये पढ़ता है। अब इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज करता हूँ, देखो आपके पास क्या दिया हुआ है कि जो रेट है वो रेट कितनी है, 1/m, सॉरी जो रेट है वो है स्मॉल m, ठीक है, रेट है स्मॉल m, तो टोटल निकालना चाहिए। तो टोटल के अगर रेट है स्मॉल m तो एक का निकालना चाहिए, तो क्या 1/m होगा, और यहाँ से मुझे क्या करना है, m को रिप्लेस करना है 1/m से, तो ये लो 2π × 1/m। तो इसकी सॉरी टोटल का निकालना है ना अपने को, तो यहां लिख देता हूं, यहां देखो स्ट्रेंथ होती है 2π × स्ट्रेंथ इक्वल, ठीक है, और ये आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपके पास m, ठीक है। अब मुझे निकालनी स्ट्रेंथ, तो क्या स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी m/2π, तो देखो स्ट्रेंथ हो जाएगी m/2π, ठीक है। अब इसके लिए बना लेते हैं रफ डायग्राम, जो दिया हुआ है उसके लिए अपन रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई सर्कुलर बाउंड्री, मान लेते इसका सेंटर है ये, ओ पॉइंट इसका सेंटर है, तो इस ओ पॉइंट से स्मॉल एफ डिस्टेंस पे इस सर्कल के अंदर ही आपके इस सर्कल के सॉरी एस डैश कोई पॉइंट है जहाँ आपके पास प्लस एम अपॉन 2π का एक सोर्स है, साथ में यहाँ इसके पास माइनस एम अपॉन 2π का एक सिंक है, ठीक है। यह कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए, इस ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल ए, क्योंकि आपके पास रेडियस दी हुई है, ठीक है, रेडियस दी हुई है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, तो
इसके कोऑर्डिनेट ए कोमा जीरो। इस वाले पॉइंट के देखो, मैं थोड़ी से दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ। क्या ये एच डैश है किसी, इस ऐसे कोई एक यहाँ कोई पॉइंट होगा जिसकी इमेज होगा ये येलो, मान लेते हैं ये एस की इमेज है और वहाँ भी क्या होगा एक सोर्स, क्योंकि सोर्स की इमेज सोर्स ही होती है और सिंक की इमेज सिंक होती है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0.0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1.0 और इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो देखो और ये सर्कुलर बाउंड्री है आपके पास, तो देखो लिखते हैं लेट लेट एस डैश बी द इनवर्स इमेज ऑफ एस, लेट एस डैश बी द इनवर्स इमेज ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू द सर्किल। मान लिया हमने एस डैश है वो इस एस के रेस्पेक्ट में क्या है, इसकी इनवर्स इमेज है, ठीक है, इनवर्स इमेज है। देन बाय यूजिंग इनवर्स सर्किल थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ओ एस डैश इक्वल होना चाहिए ओ ए का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो देखो हमें ओ एस नहीं पता, ओ एस डैश आपके पास स्मॉल एफ है और ये ए का स्क्वायर, तो क्या यहाँ ओ एस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एफ, ये लो ओ एस डैश। तो ओ एस डैश कितना आ गया आपके पास ए स्क्वायर अपॉन एफ। तो देखो ये पॉइंट, अब ये डिस्टेंस भी अपन डिनोट कर देते हैं इसमें, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए स्क्वायर अपॉन एफ कोमा जीरो। तो यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस में मिल गई आपको, ठीक है, ये डिस्टेंस भी हमने निकाल ली। ठीक है, ये कितनी होगी ए स्क्वायर बाई एफ, ये है ए तो ये कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर बाई एफ, ठीक है। अब अगर देखो इस सिस्टम को देखें हम, ठीक है, ये जो सिस्टम है क्या ये ऐसा सिस्टम है जिसके पास दो तो सोर्स हैं और एक है सिंक, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम इसके बारे में कि हमने हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास इक्वल स्ट्रेंथ के दो सोर्स और एक सिंक है, ठीक है। Now we have a system of sources and sinks, sink तो एक ही आपके पास। Now we have a system of sources and sink such that now we have a system of sources and sink such that first a source of strength plus m upon 2 pi is palaced at point s dash, or s dash aapke paas f comma जीरो फर्स्ट, तो ये आपके पास सेकंड
द इमेज ऑफ सोर्स एस डैश द इमेज ऑफ सोर्स एस डैश ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एट एस एस है ए स्क्वायर अपॉन एफ कोमा जीरो। ये तो हमने लिखा सोर्स। अब बात करते हैं थर्ड, ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम अपॉन टू पाई इज पैलेस्ड एट पॉइंट ओ और उसके कोमा है जीरो कोमा जीरो। तो ये हमने पास फाइनली एक सिस्टम है जिसमें आपके पास एक सोर्स है स्ट्रेंथ एम अपॉन टू पाई का और एक है आपके पास उसकी इमेज, द इमेज ऑफ सोर्स एस डैश ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एट एस। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने पास। अब बात करते हैं इनका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, कि इनका जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा उसकी बात करते हैं। तो देखो, नाउ द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्ल्यू इज गिवन एज, क्या होगा? देखो, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल होता है माइनस एम वन लॉग ऑफ जेड माइनस ए वन माइनस एम टू लॉग ऑफ जेड माइनस ए टू माइनस एम थ्री लॉग ऑफ जेड माइनस ए थ्री सॉन्ग इस प्रकार से। अब मैंने देखो तीन तक लिखा है, मैं बस इतने ही है, एक सोर्स है एक सिंक है, सॉरी दो सोर्स है एक सिंक है। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस एम अपॉन टू पाई लॉग ऑफ जेड माइनस एफ, फर्स्ट वाला एफ पे रखा हुआ है, सेकेंड माइनस एम अपॉन टू पाई ये आपके लॉग जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ पे रखा हुआ है, थर्ड वाला प्लस एम अपॉन टू पाई ये सिंक है, ये रखा हुआ है लॉग ऑफ जेड माइनस जीरो पे, ऐसा। ठीक है, इसी को और सोल्व करते हैं तो क्या डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस एम अपॉन टू पाई लॉग ऑफ जेड माइनस एफ, यहाँ से माइनस एम अपॉन टू पाई लॉग ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ और ये हो गया प्लस एम अपॉन टू पाई लॉग ऑफ जेड, यही होगा। इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन एम अपॉन टू पाई, वो भी किसका, माइनस में, तो प्लस में चलो प्लस का कॉमन ले लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल कॉमन लेते हैं इसमें एम अपॉन टू पाई, एम अपॉन टू पाई लोगे ये बन गया लॉग जेड, ये बन गया माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस एफ माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ, यही होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल बन जाएगा एम अपॉन टू पाई, ये हो गया लॉग जेड माइनस, ये माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे जेड माइनस एफ माइनस लॉग जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ, ये लो सॉरी ये माइनस कॉमन लेंगे प्लस बन गया, तो लॉग एम प्लस एन तो लॉग एम एन हो जाएगा, तो ये हो गया एम अपॉन टू पाई लॉग जेड हो गया। ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस एफ जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ। ठीक है, लास्ट डब्ल्यू इक्वल क्या एम अपॉन टू पाई, ये क्या है,
log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो ये बन गया log ऑफ z अपॉन z माइनस f इंटू z माइनस a स्क्वायर अपॉन f, यही होगा। तो w इक्वल फाइनली मिला मुझे m अपॉन 2 पाई log ऑफ z अपॉन z माइनस f z माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ। ये लो, ये मिल गया मुझे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या मिला आपको? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, ये तो मिल गया आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो, पहले वेलोसिटी पोटेंशियल निकालने के लिए मैं देखो एक पॉइंट डिफाइन करता हूँ, इसमें पॉइंट पी, लेट ये कोई पॉइंट आपके पास पी एक्स कोमा वाई, जिसको आप पी ऑफ जेड भी बोल सकते हो, ठीक है। पी ऑफ एक्स कोमा वाई बोलो या पी ऑफ जेड बोलो, एक डिस्टेंस तो ये होगी, ठीक है। सेकेंड वन डिस्टेंस होगी ये, और थर्ड वन डिस्टेंस होगी ये, ठीक है। ये आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, ये हो गई इसकी डिस्टेंस पी ऑफ जेड की। देखो इन डिस्टेंस को हम, तो ये वाली डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास ओ पी डिस्टेंस या पी ओ, तो ये डिस्टेंस होगी आपके पास ओ पी डिस्टेंस। ये दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं, ये वाली डिस्टेंस है आपके पास ओ पी डिस्टेंस, ये होगी पी एस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो जाएगी पी एस, ठीक है, इस पॉइंट पी के कारण। तो देखो ये हमने निकाला कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, अब बात करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल फाई की बात करते हैं, तो वो क्या होता है आपके पास, डब्ल्यू इक्वल होता है, सॉरी डब्ल्यू नहीं होता, वो होता है आपके पास फाई। देखो फाई इक्वल होगा माइनस एम वन लॉग ऑफ आर वन
माइनस एम टू लॉग ऑफ आर टू माइनस एम थ्री लॉग ऑफ आर थ्री सोन। ठीक है, सॉरी, इसमें प्लस आता है माइनस उसमें आता है। तो देखो पुट करते हैं तो फाइव फाइनली क्या बनेगा, एम वन, तो माइनस एम अपॉन टू पाई लॉग ऑफ आर वन। आर वन क्या है आपके पास, आर वन डिस्टेंस है पॉइंट पी की ओ से डिस्टेंस, और उसको आपने क्या माना है ओ पी। फिर माइन सॉरी ये तो सॉरी हमने गलत लिख दिया, पहले फॉर्मूला सही था। देखो माइनस ही रहता है इनमें, ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, बाकी हो जाएगा एम अपॉन टू पाई लॉग ऑफ, अब पहले दूसरे वाले जो सोर्स है उसके किससे डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस लेनी है हमें पॉइंट पी से, तो वो वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास पी एच डेस माइनस एम अपॉन टू पाई फाइनली हो जाएगा लॉग ऑफ पी एस, ये वो डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब यहाँ से फाइव कल में क्या कॉमन लेते हैं, उसमें एम अपॉन टू पाई कॉमन ले लेते हैं, वो भी माइनस में, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी एस डैश प्लस लॉग ऑफ पी एस माइनस लॉग ऑफ ओ पी, यही होगा। तो देखो इसको लिखोगे फाइव अपॉन माइनस का, फाइव इक्वल माइनस का एम अपॉन टू पाई, ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी एस इंटू पी एस डैश इंटू पी एस, और ये हो गया लॉग ऑफ ओ पी, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। तो यहाँ से फाइव इक्वल देखो माइनस एम अपॉन टू पाई, ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी एस डैश इंटू पी एस अपॉन ओ पी। तो फाइनली मुझे क्या मिला, देखो फाइव इक्वल, फाइनल फाइव इक्वल लिख सकता हूँ माइनस एम अपॉन टू पाई लॉग पी एस डैश पी एस अपॉन ओ पी, ये आपके पास क्या होगा वेलोसिटी पोटेंशियल। यही मुझसे मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपके पास, तो ये हमने निकाल लिया वेलोसिटी पोटेंशियल। ये डिस्टेंस में एक बार फिर से देखो आपको दिखा देता हूँ डायग्राम की कौन सी डिस्टेंस क्या है, देखो ओपी डिस्टेंस है सिंक की पॉइंट पी से डिस्टेंस यानी जेड से डिस्टेंस, पी एस डिस्टेंस है सोर्स की पॉइंट पी से डिस्टेंस, पी एस डिस्टेंस है सोर्स जो सोर्स की इमेज है एस पे उसकी पॉइंट पी से डिस्टेंस। ठीक है, और वही हमने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ तक तो आपका पास एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, एक क्वेश्चन तो आपके पास यहाँ कंप्लीट हो गया कि आपको निकालना था वेलोसिटी पोटेंशियल, तो हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और वेलोसिटी पोटेंशियल दोनों निकाल लिए। अब बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है, कि जो प्रेशर होगा पॉइंट पी इसकी बाउंड्री पे उसकी बात करेंगे। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है कहाँ पे, बाउंड्री पे। तो देखो प्रेशर, प्रेशर निकालने के लिए वहाँ फोर्स भी होना चाहिए, फोर्स होगा तभी तो प्रेशर निकालोगे। तो देखो हमने क्या किया, मान लेट करते हैं, देखो लेट
कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर द पैरेलल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, लेट एक्स एंड वाई आर द पैरेलल कंपोनेंट्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू एक्सेस। मान लिया हमने कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं, वो क्या हैं फोर्स, ये जो एक्सों के समांतर आपके क्या हैं फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट हैं, ठीक है। ऑफ फोर्स पैरेलल टू एक्सेस एक्टिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ रिजिड सर्कल। मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई आर द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू एक्सेस एक्टिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिजिड सर्कल, यानी सर्कल की बाउंड्री पे क्या हो रहे हैं ये एक्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं, ठीक है। देखो देन देन ब्लेशियस थ्योरम, ये हम ब्लेशियस थ्योरम है कि ये पढ़ेंगे हम फ्लूड डायनेमिक्स में। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ये होती इसका स्टेटमेंट होता है एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल होता है आयोटा रो बाई टू, क्या होता है आयोटा रो बाई टू इंटीग्रेशन ओवर सी जो भी आपने बाउंड्री ली है उसके, और ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी जेड, ठीक है। या इसी को और लिखा जा सकता है और एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल रो आयोटा बाई टू इक्वल द रेसिड्यूज। तो देखो इसको लिख सकते हो टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज रेसिड्यूज सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ रेसिड्यूज ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर इन कंटूर येलो इन कंटूर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। देखो ये रहा एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल आयोटा रो बाई टू टू पाई आयोटा, ये आयोटा है आपके पास, सॉरी टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड के, और इसके स्क्वायर में जितने रेसिड्यूज होंगे उनका सभी का क्या लेना है हमें सम लेना है। तो पहले हमें निकालना है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड के लिए हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाला था उसको डिफरेंशिएट करना है जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखो उसको डिफरेंशिएट करते हैं जेड के रेस्पेक्ट में, तो देखो पहले देख लेते हैं इक्वेशन नंबर टू है कहाँ, उसको हमने इक्वेशन दी भी है या नहीं दी, पहले वो देखते हैं। देखो ये रहा इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है W इक्वल दिया है आपके पास M अपॉन टू पाई लॉग ऑफ जेड जेड माइनस एफ जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ,
ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं ताकि अपने को जो डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहे। एम अपॉन टू पाई तो ये रहा, ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ जेड माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस एफ माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ, यही बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें चाहिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। नाउ देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या, एम तो कांस्टेंट, एम अपॉन टू पाई तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे, यहाँ से लॉग जेड का करोगे तो क्या वन अपॉन जेड बनेगा, इसका करोगे तो क्या वन अपॉन जेड माइनस एफ बनेगा, और इसका करोगे तो वन अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ बनेगा, यही बनेगा। अब यही नहीं, हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। देखो तो दिस इम्प्लाइज डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर कितना होगा, एम स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर, अंदर बन गया वन बाई जेड माइनस वन माइनस जेड बाई एफ माइनस वन अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ इसका होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से बन जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर इक्वल बनेगा एम स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर। देखो स्क्वायर पहले वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ का होल स्क्वायर, फिर माइनस ट्वाइस टाइम जेड इंटू जेड माइनस एफ माइनस ट्वाइस टाइम जेड इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ, फिर यहाँ से प्लस ट्वाइस टाइम जेड माइनस एफ इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ, यही बनेगा। ये स्क्वायर को एक्सपेंड किया हमने। अब स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद में ये जो जो टर्म कंबाइन में दे रखी है, ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इन थोड़ों का इनको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ये टर्म दी हुई है, ये इन टर्म, इनको और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो इनको एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखो एम स्क्वायर अपॉन फोर पाई का स्क्वायर अंदर, तो जी क्या हो गया, देखो वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको आते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ इसके पार्शियल फ्रैक्शन करवाने लग जाऊँगा ये लंबा हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करने हैं, क्योंकि मुझे निकालना है रेसिड्यूज, और रेसिड्यूज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वन अपॉन जेड की पावर, वन अपॉन जेड का क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, वही तो आपके पास रेसिड्यूज होगा। ठीक है, और रेसिड्यूज देखो आपने निकालना सीखा था, हम क्या करते हैं लोरेंट सीरीज में जो ऋणात्मक पदों की घातों के गुणांक होते हैं, ठीक है, तो ऋणात्मक पद की घात का गुणांक जो देखते हैं वो आपके पास क्या होता है, रेसिड्यूज। तो यहाँ रेसिड्यूज देखना है मुझे जेड बराबर जीरो पे पहले, ठीक है, तो जेड बराबर जीरो पे देखूंगा तो जेड बराबर जीरो पे ये रहा वन अपॉन जेड की पावर, जेड का गुणांक यहाँ तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, इसमें बनेगा और इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं इनके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले का जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, देखो अलग अलग दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ इसको, ये होगा टू अपॉन जेड, सॉरी टू अपॉन एफ जेड माइनस एफ माइनस टू अपॉन जेड एफ, फर्स्ट वाले का देख लो सोल्व करके, सोल्व करके बता देता हूँ मैं। टू को तो बाहर ले लो, एलसीएम तो आ गया एफ जेड माइनस एफ इंटू जेड एफ, यहाँ तो बन जाएगा जेड एफ माइनस एफ स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ तो बन गया जेड एफ
यहाँ क्या बन जाएगा, एफ जेड और प्लस एफ स्क्वायर। एफ जेड से एफ जेड कैंसिल, नीचे क्या बन रहा है, टू अपोन, ऊपर बन गया एफ स्क्वायर, नीचे एफ स्क्वायर, जेड जेड माइनस एफ, एफ स्क्वायर से एफ कैंसिल, ये आ गया जेड अपोन जेड माइनस एफ। इसी के फ्रैक्शन करने थे ये लो, और बाहर टू है ये टू लगा दो, तो ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना आप। ठीक है, ये तो इस फर्स्ट वाले के हो गए। अब बात करते हैं सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले का लिखता हूँ मैं, तो सेकंड वाले के भी देखो आप इसी प्रकार सिमिलरली फ्रैक्शन करोगे, तो देखो माइनस टू तो कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर बाई एफ जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ बनेगा, माइनस वन अपॉन जेड ए स्क्वायर बाई एफ बन जाएगा। ये लो, ये किसके हो गए, सेकंड वाले के पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इसी को सिमिलर लिखा था मेरे पास, देखो जेड इंटू जेड माइनस एफ था, जेड इंटू जेड माइनस एफ था, तो देखो पहले आया एफ इंटू जेड माइनस एफ, फिर आ गया जेड इंटू एफ, तो इसी प्रकार इसके लिखे मैंने। इसी प्रकार मैं थर्ड के लिखूंगा, तो देखो थर्ड के क्या हो जाएंगे आपके पास, प्लस टू, और यहाँ से देखो प्लस टू तो ऐसे कैसे, वन अपॉन जेड माइनस एफ, और ये जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ, ऐसा। सॉरी ये ऐसा क्यों बनेगा, हमने एक बार एफ रखा है ना, सॉरी तो पहले वाला फ्रैक्शन यहाँ आएगा एफ माइनस एफ स्क्वायर, और फिर दोनों टर्म प्लस की हैं तो प्लस ही आएगा, प्लस अब क्या आएगा देखो जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ तो ऐसे कैसे, और उस वाले जेड में रख दो ए स्क्वायर बाई एफ माइनस एफ। ये लो, तो ये फाइनली अपने पास हो गए इनके पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है,